गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रही हूँ। आज ये हमारा इस यूनिट का 5वां लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम फोर्स, वर्क तथा एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में ही हमने एनर्जी को डिटेल में पढ़ा था। स्पेशली हमने एनर्जी डिस्कस करी थी 3 तरह की, जो हम अधिकतर यूज़ करते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आपको मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब भी कोई वस्तु, जिसका कुछ भी द्रव्यमान हो सकता है, लेट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज m, और यह पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर है, लेट द हाइट इज h, तो जब वह वस्तु m द्रव्यमान की h ऊंचाई पर है और वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिरती है, तो उसके हर एक बिंदु पर h हाइट से लेकर 0 हाइट होने तक, यानी पृथ्वी की सतह तक आने तक, उसके हर एक बिंदु पर उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, कंजर्व रहती है। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और हम देखेंगे कि हर बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समान ही प्राप्त होता है, और हम ये कह सकेंगे कि हर बिंदु पर उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। प्यारे बच्चों, आपको इस चित्र में हमने दिखा रखा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जो h हाइट पर है और वह a बिंदु की लोकेशन पे है। चित्र में आपको पॉइंट a दिखा रखा है। a बिंदु से उसे नीचे की तरफ घेरा जा रहा है, तो उसके हमने 3 स्टेजेस डिस्कस करनी चाहिए, पॉइंट a, पॉइंट b और पॉइंट c। पॉइंट a वह स्टेट है जहाँ से हमने उस वस्तु को गिरना या उसको गिराना शुरू करा है, जहाँ से वस्तु ने गिरना शुरू करा है। और बी बिंदु वह बिंदु है, बीच की कोई स्थिति है गिरते व समय की, और सी बिंदु वो स्थिति है जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंच चुकी है गिरते हुए। तो इस दिशा में या फ्रीली फॉल होते हुए, गिरते हुए उस वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पोजीशन ए पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पोजीशन ए पर देखिए बच्चों, गिरने से पूर्व वस्तु क्या थी, रेस्ट पे थी। वस्तु एच हाइट पर है और रेस्ट पे है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी या उसका प्रारंभिक वेग 0 है। उसकी वेलोसिटी 0 होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो ये आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². अगर वेलोसिटी 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। अब हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान m है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी है, तो उस पर लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालें, तो वो क्या आएगी, 0 + mgh = mgh। यानी पॉइंट ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा mgh के बराबर होती है। अब ए बिंदु से वस्तु ने गिरना आरंभ करा, मान लीजिए वह x दूरी तय करती हुई
किसी पॉइंट बी पर पहुंची है, तो ए बिंदु से उस बी बिंदु तक की दूरी कितनी हो गई है, एक्स। ए बिंदु पर उसका प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य, और बी बिंदु पर पहुंचते उसका वेग माना वी वन हो गया है। क्या हो गया है उसका वेग, वी वन, क्योंकि जब फॉल करेगी तो उसको वेलोसिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अब वो रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रही है, और गतिशील वस्तु की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो बी बिंदु पर उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेट दी वेलोसिटी इज वी वन। तो हम यहाँ से ये ज्ञात कर सकते हैं कि वी वन का मान, वी वन जो वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं बी बिंदु पर, उसका वेग कितना है, वी वन। तो वी वन का कितना मान है, वी वन की वैल्यू क्या है, इसे हम न्यूटन के समीकरण से निकाल सकते हैं। न्यूटन की इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग, जो कि हम वी वन मान के चल रहे हैं, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, जो कि शून्य था, बिंदु A से प्रारंभ हुई है गिरना, और उस समय उसकी वेलोसिटी शून्य थी, जीरो। टू गुरुत्वीय त्वरण g और s यानी विस्थापन, जितना डिस्प्लेसमेंट इसने A से B बिंदु तक आने में कवर किया है, तो कितनी दूरी है, x। तो इक्वेशन क्या हो गई है, वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स। अब हमने वी वन स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो अब हम इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखें, अगर हाफ एम वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी, चूँकि वी वन है तो आप हाफ एम वी वन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो वी वन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है एम जी एक्स। तो बी बिंदु पर वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, एम जी एक्स। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एम स्मॉल एम गुरुत्वीय त्वरण जी और उस वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। अब यह वस्तु बी बिंदु पे आ गई है, जब वो ए बिंदु पर थी तब उस समय उसकी हाइट थी एच, अब वो एक्स दूरी तय करके बी बिंदु पे पहुंच गई है, तो उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, एम जी ब्रैकेट में एच माइनस एक्स। अब हम टोटल एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन आएगी एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी कितनी रह गई, एम जी एच, यानी वही मात्रा जो हमें पॉइंट ए पे मिल रही थी टोटल एनर्जी एम जी एच, वही हमें पॉइंट बी पे मिल रही है एम जी एच। इसी तरह से अब हम पॉइंट सी पर भी डिस्कस करते हैं, जब वस्तु पॉइंट सी पे यानी पृथ्वी की सतह पे पहुंच गई है तब क्या होता है। तो जब वस्तु पॉइंट सी पे पहुंच गई तो उसकी सी पे आके यानी सतह पे आके वो क्या होगी, रुक जाएगी, यानी उसका फाइनल जो वेलोसिटी है जो वी है वो क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो से कहने का सेंस ये है कि वह बी बिंदु पर तो चली थी वी वन वेग से, और जब वह सी बिंदु पे पहुंची है तब उसकी वेलोसिटी माना सी बिंदु तक पहुंचने से जस्ट उसी समय पर तक उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट वेलोसिटी वी रही है। तो हम अगेन न्यूटन का इक्वेशन यूज़ करते हुए इस वेलोसिटी वी का मान ज्ञात करेंगे। वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। यू स्क्वायर क्या हो गया, वेलोसिटी कौन सी इसकी, प्रारंभिक वेलोसिटी, जो कि क्या है इसकी, शून्य है, और एस क्या है, टोटल विस्थापन। प्रारंभिक वेलोसिटी हमने कहाँ से ली है, जहाँ बिंदु ए से ही बात कर रहे हैं हम, बिंदु ए पर जो वेलोसिटी थी उसी को ही तो हम प्रारंभिक वेग कह रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग यू हम बिंदु ए पे ज़ीरो लिया था, इसलिए हमने यहाँ यू स्क्वायर का मान ज़ीरो रखा है। टू जी एस,
एस यानी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, हाइट उसकी जो है वही उसका टोटल डिस्टेंस है, एच उसने कितनी दूरी तय करी जो उसकी हाइट थी, टू जी एच। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, टू जी एच। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बिंदु सी पर क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में जब हम वी स्क्वायर का मान रखेंगे टू जी एच, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है एम जी एच। और व्हाट अबाउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब सी बिंदु पे तो कोई हाइट रही नहीं उस वस्तु की, पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्या है शून्य, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, शून्य। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड करके टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी हमें क्या मिल गई, एम जी एच। प्यारे बच्चों, चित्र से भी आपको क्लियर हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि तीनों पोजीशन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन तीनों पोजीशन पे आपको कुल टोटल एनर्जी एम जी एच ही मिल रही है, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व है। जब वस्तु पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किसी बिंदु ए से एच हाइट पे है, जो है बिंदु से स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी की सतह पर गिरती है, तो उसकी कुल ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। और आप देखते हैं कि जब वह हाइट पे थी, एच हाइट पे, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी शून्य और सारी की सारी क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरती जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वह कन्वर्ट होती चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते होते आप देखेंगे जैसे वह वस्तु बिंदु सी तक पहुंचेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और सारी की सारी क्या रह जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। तो ओवरऑल जब भी किसी पॉइंट पे हम सम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो सम हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा एम जी एच। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। चलिए अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, पावर, शक्ति। शक्ति क्या होती है? प्यारे बच्चों, आपको मैंने कार्य पढ़ा दिया है, बल भी पढ़ा दिया है, एनर्जी भी हम पढ़ चुके हैं, पावर भी इन्हीं से ही जुड़ा हुआ एक भौतिक राशि है। शक्ति हम किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य ही उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी, शक्ति, पावर कहलाती है। माना कोई व्यक्ति टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उस व्यक्ति की शक्ति का मान क्या होगा, पावर पी बराबर होती है डब्लू अपॉन टी, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य और समय के अनुपात को ही शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक फॉर्मूले से अगर हम देखें तो जूल पर सेकंड आता है। कार्य को हम जूल में पढ़ते हैं, कार्य एक तरह से ऊर्जा ही का ही रूप है, कार्य ही ऊर्जा है, तो इसे जूल में पढ़ा जाता है। और समय सेकंड में, इसलिए जूल पर सेकंड होती है इसकी यूनिट। और जूल पर सेकंड को हम नए मात्रक से जानेंगे इसको, पावर को, वह कहलाता है वाट। तो पावर के लिए जो हम अधिकांशतः जिस इकाई का हम यूज़ करते हैं, जिस मात्रक को हम यूज़ में लेते हैं, वह कहलाता है वाट। किसी मशीन द्वारा स्थानांतरित की गई शक्ति को हम हॉर्स पावर में नोट करते हैं। किसमें पढ़ते हैं? हॉर्स पावर। आपने पढ़ा होगा आपके घरों में बहुत मोटर वगैरह यूज़ करते हैं, आप कहते हैं कितने हॉर्स पावर की है, साहब 1 हॉर्स पावर की। तो हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 750 वॉट, 750 वॉट। 750 वॉट पावर को ही हम 1 हॉर्स पावर कहते हैं। पावर को हम फोर्स के रूप में भी बता सकते हैं। जब भी किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगा दिया जाता है और उस बल से विस्थापन डेवलप होता है और उसमें
वर्क डन होता है और उसमें पावर डेवलप होती है, तो उस पर आरोपित शक्ति का मान क्या होगा? वस्तु के पर लगाए गए बल और उस बल के कारण उत्पन्न वेलोसिटी, बल और वेलोसिटी का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ही उसकी पावर कहलाता है, एफ डॉट वी कॉस अल्फा। यहाँ एफ क्या है? वस्तु पर लगाया गया बल, वी वस्तु में उत्पन्न वेग, और अल्फा बल और वेग चूंकि दोनों ही सदिश राशि हैं तो इनके मध्य का कोण है अल्फा। अगर बल और वेग दोनों एक ही दिशा में हो यानी अल्फा जीरो हो तो अधिकतम पावर जनरेट होती है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि कब हमारी शक्ति पावर मैक्सिमम होगी सिस्टम की, जब उस पर अप्लाइड फोर्स और उसके कारण उत्पन्न वेलोसिटी दोनों एक ही दिशा में हो तो मैक्सिमम पावर जनरेट होती है। आपके घरों में जो पावर आती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। वो भी यही होती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसमिशन किस रेट से हो रहा है वो ही इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। यही रिलेशन है पावर और वर्क में कि पावर क्या है? पावर है रेट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन, या वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है वो ही उस मशीन की या उस कार्य करने वाले उस डिवाइस की पावर कहलाती है। अब मैं आपको कैलकुलेशन के द्वारा, एक प्रॉब्लम के द्वारा ये डिस्कस करेंगे कि पावर हम कैसे निकालते हैं। हम एक प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक 50 केजी भार का एक व्यक्ति है जो कि स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर दौड़ता है। स्टेयर्स की हाइट दे रखी है 10 मीटर्स, 10 मीटर हाइट की सीढ़ी पर दौड़ता है और कितने टाइम में? 2 मिनट्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी अगर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो व्हाट अबाउट पावर? पावर का क्या होगा? पावर कितनी होगी? लेट्स कैलकुलेट कि पावर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या नोन है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो हमें मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का 50 kg, उसकी हाइट दे रखी है अर्थ सरफेस से 10 मीटर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है। हमें टाइम इंटरवल दे रखा है कि कितने समय में उसने स्टेयर्स के ऊपर रन किया है, 2 मिनट्स, जिसे अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी अ 120 सेकंड्स। अब हमें चाहिए क्या? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी W अपॉन T। तो हमें पहले क्या निकालना होगा? W, वर्क डन। W की वैल्यू कैसे आएगी? MGH। कैसे आया MGH? वर्क आपको मैंने बता चुकी हूँ पहले, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें? जो पृथ्वी के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि जिसे हम उसका वेट बोलते हैं MG। दिस इज द फोर्स MG। और डिस्प्लेसमेंट कितना? जितना उसकी हाइट है h। तो आपके पास फॉर्मूला W बराबर क्या हो जाता है? MGH। तो इस फॉर्मूले से हम वर्क डन निकालेंगे। MGH में m का मान रखा 50 kg, g का मान रख लिया आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h रख लिया है 10 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गए 5000 जूल, और टाइम 120 सेकंड्स हमें गिवन है। जब हम इस 5000 जूल्स को 120 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट पावर। क्या मिल गई हमें पावर? 41.7 जूल पर सेकंड, या 41.7 वॉट। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।